नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम है शोकबीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर आपने अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक वीडियो कॉल स्कैम यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया जाना और उसके बाद आपको स्कैम करना, आपके साथ ब्लैकमेलिंग करना, ये बहुत ही मतलब लोगों के साथ किया जा रहा है। और आप लोग सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि आपको जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी नहीं होती है तो फिर आप कहीं ना कहीं उन चीजों में फंस जाते हैं। तो इससे बेहतर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी वीडियो कॉल में फंसे उससे पहले आप इस जानकारी को जरूर जान लें। देखिए, जो वीडियो बनाने के बाद जो व्यक्ति आपके लिए कॉल करते हैं, पहले आपको प्रोसेस बताता हूं थोड़ा सा कि अगर किस तरीके से इस वीडियो कॉल का स्कैम होता है। जो ब्लैकमेलर है वो आपको अप्रोच कर सकता है किसी व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से आपको लगातार कोई वीडियो कॉल आती है, आप उसको रिसीव कर लेते हैं, उसमें आपका फेस आ जाता है, या फिर आपने उसको लड़की को देखते हुए आपने भी कुछ ऐसी गलती कर दी जिसमें कि आपने अपना बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स सब कुछ दिखा दिए, और यही चीज़ वो कैप्चर हो गई। दैट मीन्स कि आप अब ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएंगे। दूसरा रास्ता फेसबुक के द्वारा है। फेसबुक से हो जाता है कि फेसबुक पर आपको किसी अनजान लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो आपके पास में एक मैसेंजर से ही हाय आया और बोला कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और आपको मतलब मैं डेट पर करना चाहती हूँ, आप अच्छे लगते हैं, पसंद करती हूँ मैं आपको। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी, आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, कोई गर्लफ्रेंड है हमारी जो हमसे बात करना चाहती है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं, आपके दुश्मन है और आपको किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों में फंसाना चाह रही है। तो अब जो है इसके बाद अगर फिर आपके पास वीडियो कॉल आता है मैसेंजर पर या फिर व्हाट्सएप पर, तो आपको ये बिल्कुल काम नहीं करने हैं। अगर आपने ये काम किए तो आप जरूर किसी न किसी स्कैमिंग फंस रहे हैं। अगर आपको नई लड़की जो है वो अभी मिली है, लड़की मतलब कोई ऐसी अनजान लड़की आपको, और आपसे मिलने के बाद तुरंत आपसे ये कह रही है कि आप मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे प्राइवेट पार्ट देखना है आपका, आप मुझे दिखाइए, मैं आपको रोमांस करती हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये लड़की फ्रॉड है। और ये लड़की नहीं है, इसके पीछे कोई लड़का है जो अपना ब्रेन चला रहा है कि आपको किसी न किसी प्रकार से फंसाने के लिए। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप वीडियो कॉल स्कैमिंग फंस जाते हैं तो आपके पास वही लड़की, जिस लड़की से अभी आपकी बात चीज चल रही थी, जिसको आप अपने गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, वही लड़की आपको किसी कुछ देर बाद जो है वो आपका वीडियो एडिट करके या फिर डायरेक्ट आपके अगर आपने उसमें अपना फेस और प्राइवेट पार्ट को साफ दिखा दिया है, तो आपके पास वही वीडियो जो है वो थोड़ी देर में व्हाट्सअप आ जाएगी या मैसेंजर पर आ जाएगी। और अगर आपने नहीं दिखाया, आपने सिर्फ फेस दिखाया, प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाया, तो किसी दूसरे का ऐड करके उसमें आपके पास भेज दिया जाएगा और यही कहा जाएगा कि आप बताइए क्या करना है, इस वीडियो को डिलीट करना है या अपलोड करना है। आप डर जाएंगे क्योंकि आपने ही वो ऐसी गलती करी है जो कि जिसको आप खुद देखकर सहम जाएंगे, डर जाएंगे कि बाकी मेरे से गलती हो गई। उसके बाद जो है वही व्यक्ति आपसे पूछ पैसे, जब आप कहेंगे कि नहीं इसको डिलीट कर दो, आपने गलत किया है, वैसे किया जैसे किया है, तो आपसे पैसे की मांग की जाएगी कि बताओ क्या करना है, डिलीट करना है या अपलोड करना है। अगर आप कहेंगे आप डिलीट कर दो उसको, तो इससे बदले जो है आपसे रकम मांगी जाएगी। अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, जब आप उसमें रकम दे देंगे तो आपसे यही चीज लगातार चलती रहेगी, और अगर नहीं देंगे तो आपके पास कई प्रकार के कॉल्स भी आ जाएंगे, जैसे कि गौरव मल्होत्रा, संजय सिंह यूट्यूबर, ऐसे कई चीजों के लोगों के आपके पास में कॉल आएंगे। तो आज मैं आपको यही बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी चीजें पहले तो हो गई घटना ना हो, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको जानकारी है तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हो गई आपसे, तो आपके पास में अगर यूट्यूबर संजय सिंह या फिर गौरव मल्होत्रा, सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर, ये सब अगर आपके पास कॉल आते हैं, तो अब जो है मैं कहता हूं आपको ये परेशान नहीं करेंगे अगर आपको आपने ये बात इनके सामने बोल दी। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके सामने ये चीजें होती हैं, आपका वीडियो बना लिया जाता है और बनाने के बाद आपको इस तरह की कॉल्स वगैरह आती हैं, आप परेशान हैं बहुत ज्यादा और आपको ये भी लोग परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये करना है कि आपको इन लोगों की कंप्लेंट करवानी है। इसका जो नंबर है आपके अपने पास रखें, और जो लड़की का वीडियो कॉल हुआ था वो भी नंबर अपने पास रखें, क्योंकि बहुत लोग ये भी गलती कर देते हैं कि घबराहट में वो अपने ही जो अपने पास जो जो फोटोज, कॉल डिटेल वगैरह, नंबर वगैरह होते हैं, वो सब कुछ डिलीट मार देते हैं, और डिलीट मारने के उपरांत जो है वो अब समझ नहीं पाते हैं कि सर मेरे पास तो कोई एविडेंस सबूत है नहीं, तो मैं क्या कंप्लेंट करूं। तो आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है कि मुझे जो भी आपके पास एविडेंस है, सबूत है, चलना है, तो वो रखना अपने पास में, उनको डिलीट नहीं करना है।
अगर उसके बाद मान लीजिए मैं ये सब चीज़ें आती हैं, आप कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट करने के बाद आप कंप्लेंट कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आपका कॉल आती है तो आप सीधी सीधी ये बात बोलें कि मैंने आपकी कंप्लेंट करवा दी है और अब तुम बच लो, पुलिस तुम्हारे लिए भी उठाने क्यों आ रही है। तो ये सब चीज़ अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको डाप से डर जाए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये गलत करते हैं, और गलत करते हैं तो इनका बहुत छोटा दिल होता है। अगर आप इस तरीके से बोल देते हैं, और अगर जिसने कंप्लेंट करवा भी दिए आपने, आप करवाने के लिए अपने वकील हेल्प ले सकते हैं, एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपने कंप्लेंट करवा दी है इसके लिए, तो कंप्लेंट की जो कॉपी है वो कॉपी भी इसको भेज दें कि आपके देखो मैंने आपके खिलाफ जो कंप्लेंट कर दी है, अब आप बच लीजिए, पुलिस आपको कभी भी उठा सकती है, कभी भी आ सकती है। तो यही चीज़ जो है जो पहले आपके साथ बोल रहा था वो वही चीज़ उसको उल्टी हो जाएगी, और वही व्यक्ति जो है वो घबराहट महसूस करेगा, डर महसूस करेगा। तो ये अगर आपने बोल दिया तो मैं कहता हूँ कि संजय सिंह यूट्यूबर क्या कोई भी हो व्यक्ति जो आपके साथ गलत कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है आपके लिए, आपको फिर किसी प्रकार से ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा और आपको किसी प्रकार से कोई डरा धमका नहीं पाएगा। तो ये करना है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं आप। और बाकी बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।